ऐसे आज एक गुड न्यूज़ आई है हमारे लिए, और वो है ये। तो वो डिपार्टमेंट से 2 महीने पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आया था। नॉर्मली क्या होता है कि आपको लेटर आता है घर पे, बट ये केस में ऐसा बना। फाइनली ये पार्सल आ गया है। इसमें एक बहुत ज़रूरी आइटम है, आपको दिखाता हूँ। सो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। मिच्छा मी दुकड़ा। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। बज रहे हैं दोपहर के 1:30। आज हम लोग ब्लॉग बहुत ज्यादा लेट चालू कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे सुबह 9 बजे चालू हो जाता है। चलो दिखा देते हैं अभी क्या चल रहा है इधर। सो यहाँ पे मस्त कुछ वघार हो रहा है। खुशबू क्या बन रही है? ये बन रही है दाल पकवान की दाल। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि आज है लास्ट डे, आज है हमारे पर्यूषण का लास्ट डे। तो आज हमारी संवत्सरी है, तो आज शाम को तो हम प्रतिक्रमण करने वाले, इसलिए अभी फटाफट लंच वंच निपटाते हैं। फिर नायरा अगर थोड़ी देर सो जाए तो बाकी हम काम में लगे। फिलहाल यहाँ पे नायरा का चल रहा है थोड़ा सा टीवी टाइम, और साथ में नायरा खा रही है रोटी, खा रही थी रोटी। ये देखो क्या कर दिया मैडम ने। नायरा एवं नो कराए बाबू ए। तो अभी हमने थोड़ा नायरा को जरा सा बोला है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी नायरा फटाफट एक एक करके सब रोटी उठा रही है। देखो गुड गर्ल नायरा, वेरी गुड। आ भगवान छे बाबू, फूड छे ने, फूड बापड़ू जे जे बापा कहवाई। ओके, फूड ने फेंकाई नहीं बाबू। ओके नायरा, गुड गर्ल। चलो ये समझ गई है, अभी उसकी गलती हो गई थी नायरा। ओके हाँ, हमें वो नहीं करवानू। हाँ गुड गर्ल। तो हम उसको ऐसा बीच बीच में टोकते रहते हैं कि जब भी वो ऐसा कुछ करती है ना, उसको पता नहीं कहाँ से ये चीज़ों को फेंकने की आदत लग गई है। मेरे ख्याल से ये भी नर्सरी से सीखा होगा, दूसरे बच्चों को देखते हुए करती होगी। लेकिन जब भी वो खाना फेंकती है, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। उसको तुरंत हम वहाँ पर थोड़ा टोक देते हैं, ज़्यादा बोल तो नहीं सकते भाई, पर टोक देते तो वो समझ जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार बोलना पड़ता है। उसको एक बार बोला कि यू डिड समथिंग रॉन्ग, इमीडिएटली वो अपने आप को करेक्ट कर लेगी। देखो अभी उसने सारी रोटियाँ यहाँ पर उठा ली है। वेरी गुड गर्ल नायरा, थैंक यू नायरा, थैंक यू, गुड गर्ल। कल दीपेंद्रा के घर हम गए थे, वहाँ पे उनका नया घर, तो भाई क्या बनाया है उन्होंने, बहुत ही मस्त था। और वहाँ पे जो गणपति की पूरी आरती, गणपति का पूरा डेकोरेशन सेलिब्रेशन देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो मिस कर रहे थे भाई इतना। हमारा कैसा ना कि वहाँ पे इंडिया में अगर हम होते हैं मुंबई में, तो हर साल हमारे जो फ्रेंड्स हैं एरिया के आसपास के, उन सब के घर पे गणपति आता है, तो हम सब के घर पे जाके विजिट करते थे, दर्शन करते थे। तो हम इस बार वही सोच रहे थे कि यार इस बार कहाँ जाएंगे। लेकिन द गुड थिंग इज़ के दीपेंद्रा के घर पे गणपति आ गए, गणपति बापा ने हमारी सुन ली, तो हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए। और नायरा को भी बहुत अच्छा लगा। नायरा ने कल सीखा कि गणपति आरती में क्या बोलते हैं, तो जब से कल से आई है तब से वो गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया कर रही है, विच इज़ गुड। नायरा सीख रही है ये सब चीज़ें। और वैसे हमें मित्तल और गौरव ने भी इन्वाइट किया था, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी हमारा एक तो पर्यूषण चल रहा है, तो संडे को हम जा नहीं सकते, और बाद में वीकडेज पे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कल से हम लोग लग जाएंगे काम पे। अदरवाइज हमको प्लान था मित्तल और गौरव के घर पे भी, मतलब मिट्स एंड गैरी, अगर आपने हमारे व्लॉग में उनको देखा होगा, तो उनके घर पे भी जाने का प्लान तो बन रहा था, लेकिन भाई वीकडे है, पॉसिबल होगा नहीं। हमारे पास ये आज का दिन ही था संडे का, जिसमें हम जा सकते थे, लेकिन क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है पर्यूषण का, तो आज अब पॉसिबल ही नहीं है कहीं जाना। बट नेवर माइंड, हम उनको जाएंगे उनके घर पे मिलने। और बाकी खुशबू बता दो अभी क्या प्लान है आज का? आज बस वो प्रतिक्रमण करेंगे, अभी खाना वाना खाएंगे। और यहाँ पे ये क्या ग्रेवी बन रही है, किस चीज की ग्रेवी? छोले, शाम को मैं बना रही हूँ छोले। अच्छा, तो शाम का भी फूड अभी से तैयार हो रहा है। यस बराबर है, क्योंकि भाई शाम को फिर हमें टाइम मिलेगा नहीं, हमारा 2-3 घंटे थोड़ा प्रेयर वेयर सब चलेगा। आज सुबह से मैं लग गया था थोड़ा साफ सफाई में। आज मैंने बाथरूम को लिया था हाथ में, बाथरूम को पूरा चकाचक कर दिया है। यहाँ पे ना हर जगह पे, सब जगह पे लाइम स्केल जम गया था, तो ये देखो अभी चमका दिया इसको व्हीकल से एकदम। ये पूरा हमारा, क्योंकि देखो बाथरूम एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट हेविली यूज्ड प्लेसेस होती है। दिन में एटलीस्ट 4-5 बार तो यूज़ होता ही है, नहाने के लिए, बाकी कामों के लिए, पर आज उसको एकदम चकाचक कर दिया है हमने। तो देखो भाई बाथरूम हमारा मस्त हो गया है रेडी।
और बाकी जो सफाई थी वो हमने कल निपटा दी थी पूरे घर की, झाड़ू पोछा सब कल मार दिया था, तो बाकी हमारा घर तो पूरा क्लीन है। नायरा का पथारा तो रोज़ चलता ही रहता है, उसमें तो हम लगे ही हुए रहते हैं। धूप भी अच्छी खासी आ गई है अभी, तो थोड़ा यहाँ पे कपड़े वपड़े मैंने बाहर सुखा दिए, बेडशीट चेंज करके बेडशीट भी यहाँ पे धो के सुखा दी है। तो भाई देखो कुछ ऐसे है अभी के हाल। और अभी क्योंकि आज संडे है, आज सारी सुपरमार्केट जल्दी बंद हो जाती है, अभी 1:30-2 बज रहे हैं, 4 बजे सब बंद हो जाता है यहाँ पे। तो प्लान है कि घर के लिए थोड़ी बेसिक चीज़ें लानी है, उसके लिए मैं जाऊँगा एक बार 4 बजे के पहले, कुछ दूध वूध सब लाना है। तो नायरा का दूध ऑलमोस्ट हमको हर ऑल्टरनेट डे लाना पड़ता है, तो अभी जाएंगे थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करके आएंगे। बाकी कुछ प्लान है नहीं आज खास, बस रूटीन सा माहौल रहने वाला है। ऐसे आज एक गुड न्यूज़ आई है हमारे लिए, और वो है ये कि मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आ गया है यहाँ का। सो हुआ यू के क्योंकि ये मेरा पहला साल है लंदन में, तो मुझे इतना ज़्यादा टैक्स रूल्स के बारे में कुछ पता था नहीं। तो यहाँ पे अपना जैसे इंडिया में कैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वैसे यहाँ पे होता है HMRC विच इज़ आई थिंक हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। तो वो डिपार्टमेंट से 2 महीने पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आया था, समहाउ पता नहीं मैंने वो नोटिफिकेशन कैसे स्किप कर दिया। नॉर्मली क्या होता है कि आपको लेटर आता है घर पे, बट ये केस में ऐसा हुआ था कि HMRC की एक ऐप है, उसमें मुझे 2-3 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था कि भाई आपने इस साल जितनी आपकी कमाई है उस हिसाब से जो टैक्स होना चाहिए उससे ज़्यादा टैक्स आपने भर दिया है, तो उसके लिए आपको हम रिफंड देना चाहते हैं। तो अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला कि उनका वो मैसेज आया था, और वो मैसेज मैंने देखा और फिर मैंने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, और रिफंड फाइनली मेरे हाथ में आ गया है। तो आई एम सो हैप्पी। कैसा होता है कि भाई वो बोलते हैं ना, हर महीने अपन सैलरी के लिए वेट करते हैं, लेकिन जब ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कुछ क्रेडिट हो जाता है ना महीने के बीच में, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई ऐसा होता भी होगा कि इनकम टैक्स रिफंड आता होगा। मैंने यहाँ पे कुछ देखा नहीं था, मुझे लगा था कि भाई यहाँ पे तो बराबर टैक्स कैलकुलेट करके वो लोग बराबर इनकम टैक्स ही काटते होंगे, बट लकीली आई फाउंड आउट कि भाई यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आप ओवर पे कर देते हो टैक्स। तो आई डोंट नो मेरे एम्प्लॉयर ने कैसे मेरा टैक्स कैलकुलेट किया था, बट जो भी है कुछ नया जानने मिला कि यहाँ पे भी ऐसा इनकम टैक्स का रिफंड आता है। तो आपको आपके टैक्स स्लैब और वो सब बराबर से देखते रहना है पूरे साल, कहीं आप ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना भी चाहिए कि भाई मेरा टैक्स ज़्यादा कट रहा है, तो अभी नेक्स्ट टाइम से मैं ये चीज़ का ध्यान रखूंगा। तो प्रियंक वो कौन सा ऐप था आप जरा बता दो, जिससे लोगों को पता चले कि यू नो आप ये चेक करता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जो सैलरीड हैं जिनके नहीं मालूम, हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं मालूम था। तो गाइज वो ऐप का नाम है HMRC, आप ऐप स्टोर पे जाके वो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप अपने डिटेल्स डालोगे ना तो वो आपको बताएगा कि आपका ये साल कितना टैक्स ड्यू है, कितना देना बनता है और कितना लेना बनता है अगर आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया, तो उसी में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके टैक्स के बारे में। तो डू चेकआउट HMRC ऐप। हमारा इधर लग गया है, चलो दिखा देते हैं। सिंपल सा खाना है आज, ये है दाल पकवान वाली चने की दाल, साथ में है रोटी, ठंडी ठंडी छाछ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोतीचूर का लड्डू। और खुशबू मुझे मोदक जैसा कुछ दिख रहा है तुम्हारे प्लेट में, सो ये है मोदक। सब प्रसाद जो हम खा रहे हैं वो है कल हमें धरा और दीपेन के घर पे दिया था एज अ प्रसाद, तो वही है आज एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हमारा स्वीट में सब आइटम वही हो गया है, और मैडम की मस्ती इधर चालू हो गई है, देख लो भैया। नायरा शू कर ले छे छास आपू, आपको चले आप दो छास, इसको है ना छास बहुत ज्यादा पसंद है, एकदम टिपिकल गुजराती बंदी है अपनी। चलो एंजॉय। कैन यू टेल मी हाउ इट इज नायरा, डू यू लाइक इट, इज इट गुड, केवो छे यम्मी छे। बीजो हमने ते शू कीधु तू, डिलीशियस। तो मैडम ने ना नर्सरी में शायद इनको खाना खाते टाइम बोलते होंगे कुछ खाओ तो डिलीशियस बोलना है, तो अभी मैडम बोलती है इट्स डिलीशियस। क्यों चलो इधर मैं अभी ये खा रहा हूँ मोदक, ये है चूरमा का लाडू इन द शेप ऑफ अ मोदक, बट आउटस्टैंडिंग अल्टीमेट। दीपेन धरा थैंक यू। Very good. Baby finger, baby finger, hey, are you? Here I am, here I am. How do you do? Good girl. It's a dog. Dog. What is the baby doing, Naira? Baby says dog and she jump.
are you going to give it a ride, Naira? Yes. Baby is going to get a ride yes. on the duck. Yes. Is the baby able to sit there? Yes. Can you show me? Yes. Now, can you give the baby a quick ride? Okay. Okay. Naughty, naughty baby. Naughty, naughty baby. Love, Karina, love. Here, love. Will you duck love? अभी हमको ये डक के ऊपर बेबी को बिठाना है. रख दो इधर नहीं, जाओ ले जाओ. अरे वाह, बेबी इज एंजॉयिंग. बेबी इज गोइंग फॉर अ राइड नायरा. बराबर बैठो नायरा. दो तीन दिन से हमारा एक अमेजोन का पार्सल आने वाला था. फाइनली ये पार्सल आ गया. इसमें एक बहुत जरूरी आइटम है, आपको दिखाता हूँ खोल के क्या है ये. सो, ये कैसा है कि हमारे किचन और बाथरूम के लिए है. आप देखोगे तो शायद समझ जाओगे. सो, इसको बोलते हैं ये देख लो, देख के कुछ समझ आ रहा है. सो, ये है सीलेंट है, ये सिलिकॉन सीलेंट है. ये कहाँ पे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा किचन का सिंक एरिया है, यहाँ पे देखो ये जो साइड में ये जो पूरा गैप है ना, ये इतना ये पूरा पार्ट, यहाँ पे ना एक हल्का सा सीलेंट होता है. उससे क्या है कि यहाँ पे अगर पानी गिरे ना तो ये पानी इसी गैप में से अंदर ना घुस जाए. तो आपको करना क्या है कि ये गन से है ना इसको पूरा सील करना है यहाँ पे सीलेंट को. वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी है, लेकिन अभी क्या है कि हमारा ये जो स्टोव के उधर जो सीलेंट था ना वो देखो अभी ख़राब हो गया, मतलब वो ऐसा निकलना चालू हो गया. देखो ये देख रहे हैं, ये ऐसा ये सिलिकॉन का सीलेंट ऐसा निकल रहा है. तो ये दो तीन दिन से मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था. तो आज आपको दिखाऊंगा जब हम ये सीलेंट लगाएंगे. मैं भी पहली बार लगा रहा हूँ, लेकिन ये लगाना ज़रूरी है ताकि अगर आपके सिंक पे या ये किचन का जो टॉप है काउंटर है उसके ऊपर अगर कहीं पे पानी या ऑयल कुछ स्पिल हो तो ये अंदर गैस के अंदर या अपने किचन सिंक के अंदर ना चला जाए. मतलब ये जो अंदर का नहीं तो फर्नीचर होता ना वो सब खराब हो जाएगा. तो आज ये सब जगह पर सीलेंट निकाल के अपन ये नया वाला सीलेंट आज लगाएंगे. आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में जब मैं ये करूंगा. बज रहे हैं शाम के 4:30 और यहाँ पे इंडिया में बज रहे हैं रात के 9. और हमारे इंडिया में मुंबई में हमारे फैमिली का प्रतिक्रमण जस्ट खत्म हुआ है, तो सब लोग अभी मिच्छा में दुकड़म विश कर रहे हैं. तो सबसे पहला कॉल आ गया है हमारे ध्यान भाई का. हाय ध्यान, मिच्छा में दुकड़म. मिच्छा में दुकड़म. तो अभी टाइम है आप लोगों को दिखाने का कि ये सीलेंट हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं. तो मैंने ना यहाँ पे गैस के ये साइड पे से मैंने सीलेंट हर जगह से निकाल दिया है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि सीलेंट कैसा होता है, उसको कैसे निकालना होता है. तो ये जो पुराना वाला सीलेंट है ना देखो अभी भी हमारे यहाँ पे लगा हुआ है. तो सबसे पहले आपको इसको क्लीन करना होता है. देखो क्लीन करके ऐसे इस तरह से निकालना होता है. इसको थोड़ी मेहनत लगेगी इसको निकालने में. ये रबर जैसा होता है, सिलिकॉन है बेसिकली ये. ये देखो इस तरह से आप नाखून से भी इसको आप अपने नेल्स से भी निकाल सकते हो. तो अभी मैंने चाकू ले लिया क्योंकि हाथ से वो निकल नहीं रहा है. तो ये देखो ये चाकू से इजीली ऐसे निकल जाता है. ये देखो इसको ऐसे करके करना होता है और फिर ये आपके हाथ में ऐसे आ जाएगा. देखो इस तरह से ऐसे. अब ये क्या बहुत पुराना होगा मेरे ख्याल से, इसके लिए एकदम चिपक गया ये. बट इसको ऐसे निकालना होता है. अभी एक बार निकाल दिया ना, अभी ये साइड का मैंने पूरा निकाल दिया है. तो मैं ये साइड पर लगा के आपको दिखाने वाला हूँ. मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो आई डोंट नो कितना परफेक्शन और प्रिसीजन के साथ होगा, लेकिन चलो कोशिश करते हैं. तो ये कुछ नहीं है, ये सीलेंट के इधर है ना एक लीवर दिया है. ये लीवर आप जैसे दबाओगे ना इसमें से सीलेंट बाहर आएगा. देखो दिखाता हूँ पहले, ये देखो आगे. अब इसको अपने को एक कागज में लेना पड़ेगा. तो अभी जो एक्स्ट्रा आ गया इसको मैं बाहर साइड में रख देता हूँ. अभी चलो लगाते हैं इसको. इसको आपको 45 डिग्री एंगल पे रखना है. ये देखो इस तरह से, और बस ये लगाते जाओ. आई डोंट नो इसको सूखने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको एक ही स्ट्रोक में करना है. क्योंकि अगर आपने एक बार छोड़ दिया ना तो कम ज़्यादा बढ़ने लगता है या कम हो जाता है फ्लो उसका. तो एक ही स्ट्रोक में आपको करना है. ठीक है, मेरे को लगता है काम चला हो गया अभी के लिए. नहीं एकदम बराबर हुआ है, मस्त हुआ है. फेविकॉल जैसी खुशबू है इसमें, एकदम फेविकॉल ही है ये. बट एनीवे इधर इधर तो हो गया ये. अभी चलो इधर भी लगा लेते, अपना इधर का भी निकल गया है ना.
ये इधर का भी पूरा अपना निकल गया, मेरे को लगता है इधर से हमने क्लीन नहीं किया, तो पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये देखो ये निकलना शुरू हो गया यहाँ पे से, ये देखो मेरे ख्याल से वो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता होगा ना, सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देख लो भाई ये सीलेंट निकल रहा है पुराना वाला, ये सब टुकड़े निकाल के रख दिए। अभी अपना ये वाला साइड पूरा क्लीन हो गया है, थोड़ा सा बचा है, ठीक है चलो ये वाला साइड अभी पूरा क्लीन हो गया है, तो चलो अभी इधर लगा देते हैं, करते हैं शुरू। रेडी खुशबू? यस। ठीक है चलो 1 2 3 स्टार्ट। हो गया एकदम परफेक्ट। बज रहे हैं शाम के 9:30, एक्चुअली रात के 9:30, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही प्रतिक्रमण करके जस्ट हमारा जो फाइनल पर्यूषण का जो लास्ट डे होता है उसका लास्ट एक पूजा सॉर्ट ऑफ होता है, आप पाठ बोलो या मंत्र बोलो जो भी है, वो रिचुअल हमने कर दिया है कंप्लीट। इसी के साथ हमारा पर्यूषण आज होता है ख़त्म, और हर पर्यूषण के लास्ट डे पे जिसको हम लोग संवत्सरी बोलते हैं उस दिन पे हम सभी लोगों से, हमने उसको उन किसी को भी कोई भी वे में अगर किसी को दुख पहुँचाया हमारी बातों से या हमारे वर्ताव से या हमने कुछ ऐसा बोल दिया किसी को भी, तो हम सभी से क्षमा मांगते हैं, उसको हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म। सो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, मिच्छामि दुक्कड़म। मिच्छामि दुक्कड़म, वेरी गुड। एक अच्छी बात ये भी है कि आज नायरा ने हमारे साथ बैठ के प्रतिक्रमण भी किया। सो प्रतिक्रमण जो होता है वो करीब 2 से 2.5 घंटे का एक्टिविटी होता है, उसमें हम लोग हमारे सब मंत्र पूजा पाठ बोलते हैं। नायरा कॉन्स्टेंटली हमारे साथ बैठी थी और हमारे साथ भी वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी, तो वो जान के हमें आज बहुत अच्छा लगा, वो देख के बहुत अच्छा लगा। दिस वॉज हर फर्स्ट प्रतिक्रमण, उसने एक पाठ भी सीख लिया इसी के साथ, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग जितना हो सके। हम लोग ऑब्वियसली इंडिया में जितना एक्सपोजर होता है रिलीजियस फेस्टिविटीज़ में, रिलीजियस चीज़ों में, उतना तो हम नहीं दे पाते यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है। हम लोग नायरा को हर जगह पे इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हम उसको कल गणपति बाबा का दर्शन करने लेके गए और आज हमने पूरा जैन रिचुअल्स आज उसको दिखाया, समझाया मम्मा पापा क्या करते हैं, वो सब उसने फॉलो किया। तो हमारी तरफ से हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई नायरा को ये सब संस्कार मिले, बाकी तो आगे देखते हैं, बट हम लोग कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है ये सब करना, क्योंकि वहाँ पे क्या इंडिया में आपको नेचुरली ये सब चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है क्योंकि आपके आसपास सारे लोग वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे इतना नहीं होता, बट जितना हमसे हो सकता है उतना करते हैं। मच इट्स मच बेटर ने, पहला करता इट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे भी गणपति वगैरह सब होता है। यहाँ पे भी आपने देखा ही हमारे कल के ब्लॉग में, तो लोग यहाँ पे काफी उत्साह के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। हमें ऐसा लगता था, हमारा परसेप्शन थोड़ा अलग था कि फॉरेन कंट्रीज में पता नहीं लोग सेलिब्रेट करते होंगे कि नहीं, बट कल ये सब देख के ओवरऑल अच्छा लगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय नायरा, तब तक के लिए बाय।